अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं वीलॉग बनाने जा रही हूँ और वो भी हेयर ऑयलिंग के मुताबिक। और मेरे हस्बैंड मेरी हेयर ऑयलिंग करेंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि हेयर ऑयलिंग जो है वो फीमेल मेल से करवाए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हस्बैंड से करवाऊँ ताकि इनकी खिदमत का भी फ़ायदा उठाऊँ। चलें जी, अब आप शुरू करें। वैसे तो हम लोग इनकी खिदमत करते हैं, इनको खाना शाना बना के देती हैं, कपड़े वगैरह इस्त्री करती हैं और घर के बहुत से काम करती हैं। आज मैंने कहा ज़रा इनसे फ़ायदा उठाऊँ, चले मेरी हेयर ऑयलिंग करें तो पता चले कि आप भी मेरी खिदमत कर सकते हैं कि नहीं। पहले कैचर मुझे दे दें उतार के। वैसे मेरे हस्बैंड कम ही हेयर ऑयलिंग करते हैं मेरी, मैं इनकी कर देती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अब देखती हूँ कैसा रिजल्ट। वैसे एक दफ़ा आगे भी कर चुके हैं हम लोग, को आगे भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपने देखी है और व्यूअर्स ने उनको लाइक भी किया था। आप लिंक दोबारा से उनको दे दीजिए। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और आप देखिएगा कि क्या डिफरेंस है उस वीडियो में और इस वीडियो में। बेसिकली उस वीडियो में फीडबैक काफ़ी ज़्यादा दिया था हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं स्पेशली। उसमें मैं हमें हम लोगों ने टॉक नहीं थी, आपस में कन्वर्सेशन नहीं थी की, आई थिंक सो, है ना? ऐसा ही है। अच्छा, व्यूअर्स कहते हैं कि हैवी ऑयलिंग करें, लाइक 200 ml की जो बॉटल है वो सारी वो उसका मिसाज करें, हेड मिसाज जो है। तो वो आप करना चाहते हैं तो करते हैं। नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं है, ये मेरा लेस देन 100 ml होगा। ऐसा ही, लेकिन मैं देखता हूँ जितनी आप कंफर्टेबल हुई मैं अपनी। वो ये है ना कि बाल भी मेरे उतने नहीं है ना, बाल ज़्यादा हैवी हो तो मेरे ख्याल में उसमें 200 या 200+ ml की हो सकती है। मेरे बाल छोटे हैं ना, लेंथ छोटी है। यहाँ पे सर्दी है पर इनके हाथ बहुत ठंडे हैं, मुझे सर में बहुत ठंडे लग रहे हैं। और आप लोग कोशिश करें कि जब हेयर ऑयलिंग करवाएं तो सिर्फ 1 घंटा बालों में ऑयल को रहने दें, इससे ज़्यादा ना रहने दें, क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दी हैं, ऑयल जो है वो ठंडा लगता है स्कल्प को ना। तो आप लोग कोशिश करें कि आप 1 घंटा ही रखें मैक्सिमम, वो जो पूरा पूरा दिन ओवरनाइट आप लोग रखते हैं वो ना करें। नहीं, हमारे नॉर्मली क्या होता है कि लोग समझते हैं कि ऑयल जो है वो हेयर्स को लगाने से जो है हेयर हेल्थी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमने स्टडी किया है उसमें ये होता है कि आपने ऑयलिंग जो है सिर्फ स्कैल्प को करनी होती है, जो आपका सर का जो स्किन है उसको आपने ऑयल करना होता है। हाँ, इसको भी ऑयल से फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन सही रिजल्ट अगर ऑयल का आपने लेना तो स्कैल्प को ऑयलिंग करनी है आपने। और ऑयल यहाँ रूट्स को, इट्स मेन रूट्स को आप बेसिकली करें। वो लाजमी नहीं है कि आप फुली जो आपके हेयर हैं उनको आप डिप कर दें उसमें, मेरा ख्याल है। और हैवी ऑयलिंग जो है बहुत ज़्यादा बालों का भी स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट किस्म का। मैंने इस पर वीडियो भी अभी बनानी है, मैं कर रही हूँ। हाँ जी, जो न्यूज़ का तो अगर आप लोगों ने हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो ये ऑयलिंग पे ही बनानी है कि किस तरह करनी चाहिए और किस तरह के बालों पर करनी चाहिए और शैम्पू कैसे करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों के मतलब जो है ना, मतलब हेयर ऑयलिंग से ही रेलिवेंट है वो टॉपिक। तो एक दो दिन में शायद मैं वो प्रिपेयर हम लोग करते हैं और मेरे हस्बैंड अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। वैसे एक बात मैं बता दूँ, जैसे ख़वातीन करती हैं ना, मर्दों की ऑयलिंग डिफरेंट है उससे। नहीं, मैं तो प्रोफेशनल मैसाजर नहीं हूँ, मैं तो जो मेरी सेंस डेवलप हो रही है करने से या वीडियोस देखने से उस तरीके से मैं कर रहा हूँ मसाज करवाने वाले को। तो वो फीडबैक भी लाजमी दें। हम आपने देखा होगा हम सबके जो कमेंट्स हैं
उनको मैक्सिमम कोशिश करते हैं सबको रीड भी करें और उनको रिस्पॉन्ड भी करें. तो कुछ एक दो ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत कॉन्स्टेंटली हमें सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. ये आप लोग ऑडियंस ही हैं जिसकी वजह से हम लोगों में मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन है. हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हम मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए बनाते जाएं. चलें अब ये बताएं हाउ डू यू फीलिंग. लास्ट वीडियो में तो आपने कहा कि मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत स्पीड से कर रहा था मसाज. असल में बात पता है कि मर्द जो होते हैं ना वो हाथ ज़रा लगाते हैं सहत, ख़वातीन जो होती हैं वो ज़रा सॉफ्ट से उनके हैंड होते हैं, उसकी वजह से शायद वो ये भी होता है. तो मेरा वो जो सर है ना वो थोड़ा इतना वो नहीं है, स्टेबल नहीं है. ये हेल्दी नहीं है. ये हाथ जो है ना वो ज़रा सख्त लगाते हैं इस वजह से, अदरवाइज आई कैन फील गुड. रॉयल कम भी लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं. बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि बालों में ऑयलिंग नहीं करवाती, लेकिन आप लोग ये लाजमी हफ्ते में कम से कम एक बार लाजमी करें. इससे बाल जो है ना वो बड़े ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, मतलब उनकी जो वॉल्यूम है वो बड़ा ख़राब हो जाता है. वॉल्यूम कम हो जाता है. हाँ जी, जिस तरह हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है, इस तरह बालों को ऑयल की ज़रूरत होती है. तो कम मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल मेरे ख्याल में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. कोकोनट के भी हैं और आजकल सर्दियाँ हैं तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. आलमंड ऑयल है वो कहते हैं सर के लिए बड़ा हेल्दी है. रोगने बादाम उसको बोलते हैं मेरे ख्याल में, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग प्लीज़ मेरी करेक्शन कर दीजिएगा. लेकिन रोगने बादाम ऑयल है मेरे ख्याल में, वो बाज़ार में अवेलेबल है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन ऑयल से, तो वो भी बालों के लिए बड़ा हेल्थी है. अगर आपके सर में दर्द रहती है तो आप वो यूज़ करें या ये करें. अब पता, पुराने ज़माने में दही यूज़ करती थी ख़वातीन, हैं? पुराने ज़माने में दही यूज़ किया करती थी, देसी घी बालों में. कहीं मैं पढ़ रहा था ये जिनकी हेयर फॉलिंग होती है उनको जो आनियन है उसका जो जूस निकाल के वो भी स्कैल्प में लगाना चाहिए, उससे जो हेयर फॉलिंग है वो स्टॉप हो जाती है. जो हेयर फॉलिकल्स हैं जहाँ से हेयर जो है वो फूटते हैं स्किन से, उनके अंदर जो है वो जाएगा जो आनियन का जूस है. तो वो काफ़ी ज़्यादा जड़ों को मजबूत करता है हेयर, तो हेयर फॉलिंग उससे रुकती है. तो हमारे कुछ व्यूवर्स इनमें एक्सपर्ट भी होंगे डेफिनेटली, अगर हैं तो वो भी इस तरह की कुछ टिप्स वगैरह अगर शेयर करना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट में वो टिप्स शेयर कर सकते हैं. ऐसा ही है. असल में बात पता क्या यार, वो केमिकल्स वाले इतने शैम्पू आ गए हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट्स जो हैं वो बड़े कम हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो हम डिफरेंट शैम्पूस का यूज़ कर कर के अपने बाल ख़राब कर चुके होते हैं. नहीं आप गौर करें कि जो डेंडर वाले शैम्पू हैं वो यूज़ करें तो डेंडर फोर बढ़ती है. मेरे साथ तो यही मामला है. मैंने एक दो और की भी राय सुनी है इस मामले में ना.
शादी से पहले मैं हफ्ते में एक या दो बार ज़रूर हेयर मसाज करवाती होती थी कि मतलब मैंने हर हफ्ते लाजमी करवाने हैं. और अब जब का वो छोड़ा हुआ है बालों की वो वॉल्यूम भी नहीं रहा, डैंड्रफ भी हैं और बाल भी बहुत ज़्यादा उतरते हैं. और एक वो जो मिथ है आपको पता है यार, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बाल उतरते हैं तो बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो माँ के बाल उतरते हैं. तो मेरे तो बच्चे कब से बोलना शुरू हो गए, मेरे तो अभी भी उतर रहे हैं. वो तो होता है ना कि वो मिथ है कि बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं तो माँ के बाल उतरना शुरू हो जाते हैं. आपने सुनी है ये मिथ? नहीं, आपसे सुनना. कि बच्चे जब मतलब बच्चा पैदा होता है और नया नया बोलना शुरू करता है ना तो माँ के बाल उतरने शुरू हो जाते हैं. ये भी तो मैं ही आपसे गिरने शुरू हो गए? नहीं नहीं, मेरे पहले से, मेरे शादी के बाद से ना, मैंने वो बच्चे, बेटी तो 2.5 साल बाद पैदा हुई है ना जायना, तो मेरी शादी के बाद ही मैंने जब इनकी केयर करनी छोड़ी ना, ये मतलब फैक्ट है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरे बाल गिरना शुरू हो गए थे. मेरे हस्बैंड को पता मेरे बड़े लंबे बाल थे तो मेरे बालों की जो लेंथ भी कम हुई है और साइज बिल्कुल कम हो गया गिर गिर के. नहीं, वो आपकी लेंथ तो इस वजह से है ना, एक बार आपने कटिंग करवाई है मेरे. नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आगे जिस मतलब रफ्तार से वो शादी से पहले बढ़ रहे थे ना, उसके बाद नहीं वो बढ़े उस रफ्तार, मतलब लेंथ उस सेंस में बोल रही हूँ. वो तो कटिंग मैंने बाद में करवाई है ना, इनको लंबे बाल नहीं पसंद, फिर मैंने कटिंग करवा ली थी तो अब फिर मुझे लग रहा है मेरे लंबे हो रहे हैं. ये देखें अभी भी ये कंघी हो रही है ना, ये मेरे इतने बाल उतर रहे हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं, है ना. और राइलिंग करवाते हुए नींद बड़ी आती है, देखने वालों को भी आती है. कई व्यूअर्स हैं वो रिलैक्स फील करते हैं हमारे इतने जो फीडबैक वगैरह देते हैं वीडियो के कमेंट्स में, तो वहीं से हम जो रिएक्शन है लोगों का इन वीडियोस को देखने का, उनको हम वहीं से स्टडी करते हैं. तो बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं जी हम वीडियोस को देख के बहुत रिलैक्स फील करते हैं. आपको भी नींद आती है वैसे? आयरन करवाते हाँ, नहीं नहीं करवाते हाँ, करवाते जो रिलैक्स जो सुकून मिल रहा होता है उससे फीलिंग होती है. ब्रेन जो है वो बॉडी को स्लीपिंग मोड में ले जाने की कोशिश कर रहा था. मेरा हर में कुछ सिग्नल देता है दिमाग को, सो जाओ. कर दूं ब्रेडी? पाल पीछे लेते जाए ना. अच्छा, आजकल तो हर दूसरी तीसरी खवातीन जो हैं वो बालों को स्ट्रेट करती हैं. स्ट्रेट करने से भी आपके बाल बहुत डैमेज होते हैं. कभी कभार ये है कि फंक्शन पे आप कर लें, लेकिन आप डेली बेसिस पे अगर कर रहे हैं, खवातीन हैं, गर्ल्स हैं कहीं जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में पढ़ती हैं, वो डेली बेसिस पे कर रही हैं, तो आप लोग अपने बालों को हीट ना करें. जितनी हीट देंगे आपके बाल डैमेज होंगे. अगर प्यारे भी होंगे तो वो अच्छे नहीं रहेंगे. आराम से बालों को हमेशा बाइंड है तो सॉफ्ट वे में करते हैं.
ज़्यादा टाइट बांधेंगे ना आप, तो उससे बाल उतरते हैं।